दबाओ इसको। अंडे हमने कैपिचिनो की कॉफी ली है। रात को हुआ इंजन फेल। ये क्यों फेल हो रहा है? बाकी कुछ खास नहीं है लंच में दुरंतो के। दरवाजा खुला था क्या? नहीं नहीं बंद था दरवाजा। नजारा आ गया कसम से यार, देखो फ्लैट ओवरटेक भाई। ये देख 26 पे रुक गया, 2500 पर नहीं आ रहा। तो हे गाइस गुड आफ्टरनून, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ। और मैं अभी हूँ अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में, और आज हम दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलने वाली दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में सफ़र करने वाले हैं। सो आज हो चुका हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा लेट। जैसे भाई प्लेटफॉर्म पर पहुँचा वैसे हमारी ट्रेन आ गई। देखिए WFP 7 के साथ हावड़ा शेड का लगा है लोकोमोटिव हमारी हावड़ा दुरंतो के साथ। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, तो देखिए इसका अराइवल प्लेटफॉर्म पर। आ चुका हूं मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और ये हमारे पीछे लगी है दुरंतो एक्सप्रेस। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन वीक में 2 दिन चलती है, ट्यूजडे और सैटरडे को। चलने का टाइम है इसका दोपहर को 12:40 पे। ये नई दिल्ली से निकलती है 1531 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दूसरे दिन 10:35 पे आपको हावड़ा पहुंचाती है। इस दुरंतो के साथ पूरे के पूरे मिक्स कोच लगे हुए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल दुरंतो का रैक है ना वो यही है भाई। देखिए ग्रीन वाला जो कि इसकी सबसे पहली एंड सबसे अच्छी पहचान हुआ करती है, लेकिन अभी पूरे के पूरे जो कोच है वो मिक्स कर दिए गए हैं। आगे देखिए तो दुरंतो काफ़ी फास्ट ट्रेन है, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये लगभग 21 घंटे 55 यानी कि 22 घंटे में 5 इसके हॉल्ट रहते हैं, यानी 5 जगह पर ये रुकेगी। और आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है वो इस ट्रेन के इकॉनमी क्लास में होने वाला है। M1 हमारा कोच है जो कि आगे लगा हुआ है भाई, लेकिन ट्रेन चल पड़ी, अब यहीं से चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना कोच और अपनी बर्थ दिखाते हैं, पहले चढ़ जाते हैं भाई क्योंकि रिस्क नहीं लेना भाई, चढ़ना ज़रूरी है यार। और नई दिल्ली से निकलते ही हमारे सामने भाई देखिए कितनी प्यारी ट्रेन आ रही है भाई। और बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सी ट्रेन है ये, इसका नीला कलर देख के ही भाई। मैं 73 मेरा हाँ M1 है ना ये M1 है 73। हम लोग 28 ले लें। कहाँ पे है ये वाला? इसी में M1 में 28 लोअर ही है। लोअर है सो ये भाई निकल गए अपनी ट्रेन दिल्ली से और पार कर रही है यमुना रिवर को। देखिए पूरी पार कर दी गई। बर्थ थी ना वो 73 थी, लेकिन दीदी ने बोला एक्सचेंज कर लो, तो उन्होंने हमें अपनी पे भेज दिया 28 पे। अभी 28 पे ही आ गए लोअर वाली। ऐसे पाँव नहीं रख सकते ना, अगर ये रख दिया आपने दबाओ इसको। हाँ आपको निकालते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चलो धक्का दो ना, पुश करो, मारो पैर मारो उधर से। इतनी गर्मी है, एसी चल ही नहीं रहा भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं एसी में बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं जनरल में बैठा हूँ। इतनी गर्मी है ना, पूरा एसी काम नहीं चल रहा है। 73 का 73 का तो है, मगर यहाँ पे कितना नंबर बोला? 28 नंबर का नहीं, 28 नंबर का एक्सचेंज करा है मैंने, तो उसको 73 का ये कर दे रहा है। हाँ लिख दो ना, ये कहाँ जाएगी 70, ये 28 कहाँ जाएगी? हावड़ा तक जाएगी भाई, उसने बोला एक्सचेंज कर, मैंने कर दिया। उनको बोल दिया कि अपने सीट पे जाइए। हाँ
उनको भेज दीजिए, एक बार जाके खाली बोलिए अपना सीट दीजिए, क्योंकि जेसीडी से फिर वापसी पैसेंजर चढ़ेंगे ना, यही लफड़ा होता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सर्विस है, सीट बाई सीट प्रोवाइड करने से हमें भी सुविधा आपको भी सुविधा। आप ही बताइए ना, टीटी आया ना कोई आया, आपस में आपको इधर भेज दिया, उनका खाना है नहीं, उनका पूरा सीट भी खाना नहीं है। अगर आप भी दुरंतों में सफ़र करते हो ना, तो भाई सीट एक्सचेंज करने से पहले थोड़ा सोच लें, क्योंकि अगर आप सीट एक्सचेंज करोगे ना तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। टीटी तो आपको पूछेगा एंड देन अगर इस ट्रेन में खाना मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से चलता है, अगर आपने प्रायोरिटी दी होगी तो आपको खाना मिलेगा, जिसने नहीं दी होगी उसकी टिकट भी कम लगेगी। तो मैंने खाने को प्रायोरिटी दी थी और मेरी सीट थी 73, उन्होंने एक्सचेंज करके यहाँ भेज दिया। अब भाई लफड़ा हो गया, उन्होंने बोला कि खाना वही मिलेगा आपको, तो मैंने उनको बहुत मुश्किल से समझाया भाई, एंड ये दिक्कत आपको होने वाली है, सीट एक्सचेंज करने से पहले सोच ले भाई ये बात। तो दोस्तों वीडियो में भाई अभी दोपहर के 2:22 हो रहे हैं और इतनी गर्मी लग रही है ना भाई, कम से कम 1.5-2 घंटा मतलब 2.5 घंटे होने वाले हैं ट्रेन चले हुए, लेकिन ट्रेन में इतनी गर्मी है ना भाई, क्या ही बताऊँ मैं। और अभी हमें लंच भी देखिए यहाँ पे मिल चुका है, बाकी लंच में देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया इनके द्वारा, बाकी कुछ खास नहीं है लंच में दुरंतों के। ये दाल है एंड ये पनीर है, पनीर भी ऐसे देखो एकदम टाइट टाइट है, बेकार है एकदम, एंड ये मिक्स वेज आ गई एंड एक दिया इन्होंने हमें दही। तो चलिए अभी टेस्ट कर लेते हैं, रिव्यू करते हैं कैसा खाना। दाल फ्राई है, ठीक ठाक है, एवरेज है दाल। एंड ये आ गया इनका पनीर, दुरंतो एक्सप्रेस काफ़ी नामी गाड़ी है भाई, राजधानी के बराबर प्रायोरिटी दी जाती है इसको। पनीर भी ठीक ठाक है एवरेज। एंड ये आ गए इनकी मिक्स वेज, ठीक है मिक्स वेज में। बाकी ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 10 में से 6 रेटिंग दे दूँगा इसे। भाई कितने की कॉफ़ी भेज रहे हो? 25 का एक दर्जन देना। बढ़िया है कॉफ़ी, हाँ ये वाली दो ना, वो चाय है बड़े। अच्छा है, चलो यही दो। सो गुड इवनिंग गाइस, शाम कैसे हो गई भाई पता नहीं चला, बैठे बैठे ही शाम हो गई। एंड कोच अभी ठीक ठाक है, मतलब कूलिंग वगैरह कर रहे हैं, अभी चल रही है मेरी शाम की चाय। और 1.5 घंटे बाद हमारा आने वाला है कानपुर सेंट्रल, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे कानपुर सेंट्रल। एंड ये हमने कैपिचिनो की कॉफ़ी ली है ट्रेन में 25 रुपये की, चल रही है कॉफ़ी, बाहर के शॉर्ट्स वगैरह एंजॉय करो, उसके बाद सीधा आपको मिलते हैं भाई कानपुर सेंट्रल में। भाई यार एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है आप सभी से, अगर आप दुरंतो में सफ़र करते हो ना, हावड़ा दुरंतो स्पेशल, तो अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्चने का शौक है ना, तो आप 2nd AC में चले जाना या 3rd AC में जा सकते हो, लेकिन इकॉनमी में कभी मत आना भाई, इससे अच्छा आप जनरल में या स्लीपर में कर लो सफ़र। इसमें भाई एसी के जो एसी वो देखो, एसी विंड्स टूटे हुए हैं सारे, जो एसी विंड्स है ये देखो, ये क्या है ये देखो, यहाँ से देखो हवा भी नहीं आ रही है भाई, इतना बुरा हाल है ना कसम से। मैं बाहर जा रहा हूँ हवा लेने के लिए, मतलब एसी में बैठ के मुझे बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप देख लो भाई कितना बुरा हाल है इस दुरंतों में, और कोई भी पैसेंजर कुछ नहीं बोल रहा है, उनको मतलब ही नहीं है भाई कि पैसे दिए हैं, एसी काम करे नहीं करे। भाई इतनी गर्मी लग रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ भाई, ऊपर से इन्होंने देखिए अभी दिन दोपहर में तीनों सीटें खोल रखी है। कंप्लेन हुई है नहीं हुई है कंप्लेन? हाँ कंप्लेन हुई है, एसी ठीक करो भाई, सुबह से मर गए गर्मी से यार, एसी चला दो यार। बाकी देखो भाई कर रहे हैं, अभी ठीक कर रहे हैं, पता नहीं साला क्या। दरवाजा खुला था क्या? नहीं नहीं बंद था दरवाजा। यहाँ से ठीक है टेम्परेचर यार, एसी वेंट्स से टूट गए हैं, एसी वेंट्स टूटे हुए हैं जो साइड साइड वाले होते हैं ना। हाँ। क्या टूटा है, इधर आओ खोलना इसको, आओ दिखाऊं आपको, इधर आओ
ये देखो ये यहाँ से कूल एयर ही नहीं आ रही, यहाँ से आ रही है। अरे भाई कुछ नहीं है, उसमें जाओ अगले कोच में जाओ, अगले कोच में एकदम कितना चिल्ट लग रही है, चिल्ट लग रही है भाई। हो गया ठीक है, पूरी फुल कर दो, फुल बंदे ने फुल कर दी, अब चल पड़ेगा ना। वाह भाई क्या रफ्तार से चल रही है अपनी ट्रेन, देखो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है भाई अपनी दुरंतो, देखिए चीरती हुई फाड़ती हुई जा रही है भाई, देखो 26 पे रुक गया भाई, ये देख 26 पे रुक गया, 2500 पर नहीं आ रहा, घट रहा घट रहा घट रहा, अरे अभी घटेगा, कितना होगा लास्ट इसका सेटिंग, इसका कितना आपका चाहिए देखो, फ्लैट ओवरटेक कानपुर से पीछे पीछे मार दिए, बढ़िया ओवरटेक। सुबह अभी 5:22 हो रहे हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन है हमारी ट्रेन की, देख लो भाई यहाँ पे बैठे हैं पूरे डे, हमें स्नैक्स मिल गया अभी, देखो स्नैक्स में सोन पापड़ी है एंड ये चाय की सामग्री है एंड ये सॉस है, कचौड़ी है और सैंडविच है, ये हमारी दुरंतो का स्नैक्स इकोनॉमी का। अभी चाय वाय आएगी तो निपटाते हैं इसको, ठीक। तो भाई ये भाई लोग आ गए अपने ठीक करने के लिए, जो अपना एसी ख़राब था एंड कंप्लेन के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, एंड भाई थैंक यू भाई, ठीक है भाई भी करते हैं कंप्लेंट को क्लोज। एंड ये इनकी कचौड़ी है भाई, ठीक है भाई स्लीपर में मिल रही है कचौड़ी, भाई बताएंगे आपको कैसा है सैंडविच राहुल भाई, बढ़िया भाई एक नंबर का। लो भाई अपनी दुरंतो को टक्कर देने के लिए आ रही है एक ट्रेन, और वो ट्रेन भाई राजधानी लग रही है दूर से, पत्ते कागज उड़ाते हुए देखिए आसपास के, एंड भाई ये देखिए फ्लैट ओवरटेक, वाह भाई वाह नज़ारा आ गया कसम से यार, देखो फ्लैट ओवरटेक भाई, हे भगवान क्या देखने को पड़ रहा है, रुक गई भाई। महाबोधि एक्सप्रेस गया दिल्ली वाली, वाह भाई क्या गाड़ी है यार, ये क्या गाड़ी है भाई, अपनी दुरंतो को टक्कर दे गई भाई, भाई देखिए दोनों ट्रेनों का पैरेलल अराइवल देखिए कानपुर सेंट्रल पे, देखिए और ये 12:40 पे चली थी भाई, 10 मिनट बाद चली थी ये ट्रेन। चलो भाई स्वागत है आप सभी का यूपी के काफी बड़े शहर कानपुर सेंट्रल में, जो कि एक टाइम पे जाना जाता था काम चमड़े के उद्योग के लिए, देखिए। और भाई बढ़िया ठीक है, छोटे कैसे है भैया, अरे बस बस ओ बस भाई क्या कर रहा है। अच्छा तो दिल्ली से 440 किलोमीटर का सफर तय कर लिया भाई हमारी दुरंतो एक्सप्रेस में, और पहुंच चुकी है छोटू भाई के गांव कानपुर सेंट्रल में भाई, और गांव ये एक टाइम पे था अभी ये बड़ी सिटी बन चुकी है। किस लिए जाना जाता है कानपुर सेंट्रल भाई, यार खाना प्लस और भी अच्छी चीज पहचाना जाता है। सबसे अच्छी जगह क्या है देखने के लिए यहाँ, सबसे जगह अच्छी बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर, वो मेला लगता है ना यहाँ भी लगा था कुछ दिन पहले, कौन सा मेला था वो जो वहाँ लगा था, गंगा मेला तो उसके लिए काफी प्रसिद्ध है अपना कानपुर। बाकी ये भाई आपने देखे होंगे पिछली बार भी आए थे भाई, काफी अच्छा लगा इनसे मिलके। कानपुर सेंट्रल का स्टेशन कोड है CNV और यहाँ पे ये ट्रेन लगभग आधा घंटा देरी के साथ आई है, 5:30 के आसपास टाइम था लेकिन 6:00 के आसपास आई है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल पे, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हमारी ट्रेन। यार ये भाई ये मत लिया करो प्लीज, अगली बार से
अगली बार से ये मत लाना प्लीज, ठीक है। चलो भाई 5 मिनट का होल्ड के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है भाई कानपुर सेंट्रल से, और भाइयों को बोल दिया भाई बाय बाय बाय। तो भाई बाय बाय कानपुर सेंट्रल, और व्यू देखिए भाई क्या गजब का व्यू है। एक तरफ सनसेट हो रहा है और एक साइड अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है। वाह भाई वाह, क्या शॉट है यार। देखो सुबह कानपुर में बंदा आया था, देखो यार इसको इतनी बार मना किया ना, इतना कुछ मत लाया था बंदा, देखो कितना कुछ लेके आ गया भाई। और वो स्पेशल कानपुर की लस्सी भी लाया है भाई बंदा, अभी खीर भी लाया। हाँ खीर भी लाया है भाई बंदा। तो लो भाई कानपुर से निकलते ही काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ ली अपनी इस ट्रेन ने, देखिए। बाकी भाई इस ट्रेन में साफ सफाई की भाई बहुत ज्यादा साफ सफाई होती है भाई ट्रेन में। अभी मैं आ चुका हूँ इस ट्रेन के आपको स्लीपर क्लास में लेके, और स्लीपर क्लास में देखो भाई एकदम पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो पैक है, और इसमें कानपुर से काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर चढ़े हैं वेटिंग टिकट लेके, जिनको अभी टीटी पूछ रहा है। वेटिंग टिकट है, वेटिंग टिकट है, वेटिंग सब वेटिंग टिकट ही चलता है भाई। देखो लोग किस तरह से बैठे हैं भाई, वेटिंग टिकट चलता है इसमें देखो। तो भैया अभी अपनी ट्रेन कुछ देर में पहुंचने वाली है प्रयागराज, और देखिए हमें मिल चुका है डिनर। बाकी डिनर में कुछ भी खास नहीं है, वही दाल पनीर एंड चावल एंड दही, और इन्होंने अब मिक्स वेज भी वही काट दिया। अब इनको पूछेंगे मिक्स वेज क्यों नहीं डाला भाई। गुड इवनिंग दोस्तों, टाइम हो रहा है रात के 10:22 और 787 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया हमारी हावड़ा दुरंतो ने, पहुंच चुके अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट में, जो अपना यूपी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय DDU इसका स्टेशन कोड है, और पहले इसको मुगल सराय के नाम से जाना जाता था भाई। बाकी दोस्तों DDU पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और ऑन टाइम आई है हमारी दुरंतो एक्सप्रेस। बाकी देखिए लोको पायलट्स नीचे उतर के देखिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं, लोकोमोटिव को चेक कर रहे हैं, और लोकोमोटिव आपको पता ही है WAP 7 का लगा था हावड़ा शेड का हमारी दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। देखिए इंस्पेक्शन चल रही है अभी। बाकी दोस्तों DDU में नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 8 प्लेटफॉर्म है, और एक टाइम था जब अपना मुगल सराय सबसे बड़ा यार्ड हुआ करता था एशिया का, अब तो फिलहाल खड़गपुर है। बाकी नंबर ऑफ ट्रेनों की बात करें 390 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट अपने मुगल सराय पे, तो लगा लो भाई कितना बिजी रेलवे स्टेशन है, और अपने आप में काफ़ी बड़ी डिवीज़न है मुगल सराय। 9 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है, और 9 ट्रेन सीट यहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं। चलिए अब दुरंतो की बात कर लेते हैं। तो जो अपनी दुरंतो है ना, इसको पहली बार चलाया गया था 3 अप्रैल 2010 को, शुक्रवार का वो दिन था जब इस ट्रेन को पहली बार दौड़ाया गया था ट्रैक पे। तो भाई ये देखिए यहाँ पे अपने लोको पायलट के इंजन को कुछ ठीक किया जा रहा है भाई, देख लो। तो भाई फेल हो गया मुझे लगता है इंजन, जिस हिसाब से लग रहा है यार, टाइम भी हो गया सिग्नल भी हो गया, लेकिन पावर ही ऑफ कर दी भाई इंजन की। देखो आधी रात को हुआ इंजन फेल, ये क्यों फेल हो रहा है यहाँ इंजन, क्योंकि प्रॉब्लम है ना कुछ। अब जाके ठीक हुआ है भाई ये। तो भाई देखिए 10:20 हो रहे हैं, और हो चुका अपनी ट्रेन का डिपार्चर, फॉल्ट आ गया था इंजन में, और थैंक गॉड कि जल्दी इन्होंने ठीक कर दिया। बाकी टीम उतरी थी पूरी, और टीम ने जल्दी से फॉल्ट ठीक कर दिया। देख लीजिए दीनदयाल उपाध्याय से डिपार्चर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का 8 महीने की देरी के साथ। तो दोस्तों अभी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा रात, तो अभी हम जा रहे हैं इस ट्रेन का वॉशरूम रिव्यू करने के लिए, देखते हैं वॉशरूम जैसे साफ सुथरा है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे मिलता है आपको डस्टबिन जो कि पूरा भर चुका है, यहाँ पे मिलता है सिंक एंड फुट ऑपरेटेड वाटर टैप, देखिए पानी चल रहा है, लिक्विड सोप मिलता है, एंड मिरर देख सकते हो ठीक ठाक है मिरर। तो चलिए वॉशरूम के अंदर चलते हैं, रिव्यू करते हैं वॉशरूम को, ठीक है। तो ये आ चुके हैं हम वॉशरूम के अंदर, को मिलता है पावर फ्लश बटन, यहाँ पे मिलता है एग्जॉस्टर, यहाँ पे लिक्विड सोप, और यहाँ पे फिर से फुट ऑपरेटिंग वाटर टैप मिलता है,
पर ये सिंक आ गया, ये मिरर आ गया। तो वॉशरूम की साफ सफाई की बात करें तो वॉशरूम काफी ज्यादा साफ सुथरा है। जो क्लीनर स्टाफ है ना, ये भाई ट्रेन को साफ ही करता रहता है। तो क्लीननेस की बात करें तो बहुत बढ़िया ट्रेन, लेकिन खाने पीने में भाई बढ़िया नहीं है। खाना पीना इसमें नॉर्मल, मतलब खाना पीना मिलता, कुछ भी पैसे ले लेते हैं, ये बहुत हाई फाई, लेकिन खाना बहुत ज़्यादा एवरेज दिया जाता है। खाने को लेके इसमें शिकायत है, बाकी साफ सफाई में बढ़िया है भाई। भगवान को बोलते हैं, इधर आओ मैं बताता हूँ कैसे भगवान को बोलना है। पहले बताओ चीजें वापिस लेनी है आपने? हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, ऐसे नहीं आंखें, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, बोलो भगवान जी, भगवान जी मेरे से गलती हो गई, गलती हो गई, मुझे मेरा, मुझे मेरा, आंखें खोलनी नहीं, चीटिंग नहीं करनी है बेटा, ऐसे आप खोल रहे हो आंखें, ठीक है, ये तब नहीं मिलेगी अगर आंखें पूरी बंद रखोगे। अब बोलो भगवान जी, भगवान जी मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे हाथ के नीचे, हाथ के नीचे बोतल आ जाए, बोतल आ जाए, हाँ खोल लो आंखें। अब कैसे आ गया ये? उधर से आई लाइट, जब आपने आंखें बंद करी थी ना तब आई, आपको पता चला कैसे? पर्स भी ऐसे आएगा, पर्स वहां जाके बोलो। अब यहाँ बोलो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बोलो, बोलो भगवान जी, मेरे हाथ के नीचे पर्स आ जाए, मैं सच्चे मन से बोल रही हूँ, आ जाए, बोलो भगवान जी मेरे से गलती हो गई। देखो अब हाथ नीचे आया कि नहीं आया, देखो बस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का झारखंड के जसड़ी में, और हमने अपनी दुरंतों को यहीं पे छोड़ दिया है भाई, क्योंकि हमारी जो यात्रा थी वो जसड़ी तक ही थी। अपनी दुरंतो एक्सप्रेस देखिए, पीछे भाई पावर भी लगी हुई है, अभी घाट सेक्शन वगैरह आने वाले हैं तो उसको पुश करने के लिए देखिए भाई पीछे पावर भी लगाई गई है। अच्छा तो अगर आप इसमें स्लीपर में सफ़र करते हो तो आपको 920 रुपए देने होंगे दिल्ली से लेके हावड़ा तक। अगर आप इसमें थर्ड एसी में यात्रा करते हो तो आपको 2280 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप इसमें सेकंड एसी में सफ़र करते हो तो आपको 3165 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप फर्स्ट एसी में यात्रा करते हो तो आपको 5165 रुपए देने पड़ेंगे इस दुरंतो एक्सप्रेस में। तो चलिए करते हैं सफ़र को एप एंड। आज का सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपको एक खूबसूरत ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।